टुडे आई विल स्टार्ट क्लास 8 हिस्ट्री. सो विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, हाउ व्हेन एंड वेयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ पास्ट, कि जो भी पास्ट में हुआ वो कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ पे हुआ. दैट इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री. सो फर्स्ट क्वेश्चन राइज अबाउट हिस्ट्री दैट हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट. ओके, नाउ यू आर सीइंग ऑन द पेज वन पिक्चर इज देयर. एंड ये जो पिक्चर है, दैट पिक्चर, इन दैट पिक्चर वन पर्सन इज देयर, वन ब्राह्मण इज देयर एंड ही इज ऑफरिंग शास्त्र टू ब्रिटेनिया. जो महारानी है उसको क्या कर रहे हैं, अपने शास्त्र दे रहे हैं. सो हेयर इट हैज़ रिटन, रेनिन वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप ऑफ, कि रेनिन को बोला गया है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कि हिंदुस्तान के मैप को प्रोड्यूस किया जाए. एंड एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, रेनिन सो प्रिपरेशन ऑफ मैप्स आर एसेंशियल टू प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन. मतलब अकॉर्डिंग टू रेनिन क्या था कि अगर किसी भी कंट्री को अपने अंडर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके मैप को क्या करना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा. इस पिक्चर में, दिस पिक्चर इज डिस्क्राइब्ड दैट, कि जो ब्राह्मण्स हैं वो खुद क्या करना चाहते हैं, अपने कल्चर को, अपने जो उनके टेक्स्ट लिखे हुए हैं विलिंगली उनको ऑफर कर रहे हैं ब्रिटानिया क्वीन को. एंड शी इज़ द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर. नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पैराग्राफ, हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट. देर वॉज अ टाइम वेन हिस्टोरियन वर फैसिनेटेड विद डेट्स. एक टाइम था जबकि जो हिस्टोरियंस थे, हिस्टोरियंस मीन्स द पर्सन दोज हु स्टडी हिस्ट्रीज आर कॉल्ड हिस्टोरियन. और वो क्या थे, डेट्स के लिए फैसिनेटेड थे. मीन्स वो जानना चाहते थे कि ये जो इवेंट्स हैं वो कब कब हुए हैं, और इसके लिए उनमें डिबेट्स होती रहती थी डेट्स को लेकर. रूलर्स ने कब बैटल्स जीती, कब उसने बैटल लड़ाई की, कब उसने उस पर कॉन्क्वेस्ट किया. ठीक है, सो हिस्ट्री वॉज सिनोनिम्स विद डेट. जो हिस्ट्री का सिनोनिम्स है वो क्या है, दैट मीन्स डेट्स, द स्टडी ऑफ डेट्स. पीपल आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट इन सच अ कंसेप्शन ट्रू. मतलब आप बच्चे भी या स्टूडेंट्स भी या जो लोग भी होते हैं वो कहते हैं कि हिस्ट्री हमें बहुत बोरिंग लगती है. क्योंकि क्यों लगती है, क्योंकि इसमें डेट्स ही डेट्स हैं, डेट्स को लर्न करना पड़ता है कि ये इवेंट कब हुआ या ये इवेंट कब हुआ. ओके, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम. जब जब सोसाइटी में चेंजेस हुए हैं उसकी स्टडी का नेम है हिस्ट्री. और इसमें मतलब स्टडी करते हैं कि ये इवेंट कब हुए पास्ट में, वो कब हुआ, कैसे कैसे चेंजेस आए. तो जैसे जैसे हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं, वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर. तो हम पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ उसका भी कंपेयर करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं. Now living in the world, we do not always ask historical question about what we see around us. We take things for granted.
मीन्स जैसे जैसे हम जैसे इस दुनिया में रह रहे हैं, तो हम ये नहीं हमेशा पूछ सकते कि जो जो हमारे आसपास हुआ है हम वो कैसे हुआ है, लाइक हिस्टोरिकल क्वेश्चन। ये हम चीज़ों को एज ए लाइटली लेते हैं, ग्रांटेड लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ वी यूज़ आवर मोमेंट ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल। वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर, मीन्स वो बोल रहे हैं कि जैसे मतलब हमेशा हम क्यूरियस होते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं कि ये चीज़ें कब हुई होंगी, किसने स्टार्ट की होंगी। ठीक है, जैसे कि लाइक कोई पर्सन एक रोड साइड पे एक ठेला लगाया है, तो उसमें टी को एंजॉय कर रहा है, सिप सिप करके पी रहा है, तो हम सोचते हैं कि ये जो टी है ये किसने इन्वेंट की होगी, फर्स्ट पर्सन जो था उसने कब टी को टेस्ट किया होगा, क्या टी टेस्ट करते ही उसका जो टेस्ट है वो डिवेलप हो गया होगा। सो लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ वेन वर रेलवेज बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसिंग बिफोर द एज ऑफ रेलवे। और जैसे हम कभी भी रेल में ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, रेल में, तो हमेशा हमारे दिमाग में कभी कभी सोचते ये लोगों के दिमाग में आता होगा कि ये ट्रेन किसने इन्वेंट की होगी, कब चली होगी, कब इसको किसने बनाया होगा, रेल ट्रैक्स को किसने बनाया होगा, किसका आइडिया होगा ये। और जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाय की सिप के साथ इसका एंजॉय करते हैं, तो तब भी हम यही सोचते हैं, हमारे दिमाग में यही आता है कि न्यूज़पेपर किसने इन्वेंट किया होगा, लोग क्या करते होंगे, मींस क्या पढ़ते होंगे जब न्यूज़पेपर की इन्वेंशन से पहले, कौन सी चीज़ सबसे पहले प्रिंट हुई होगी। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट केम टू आर माइंड और कम टू आर माइंड की ड्यूरिंग यूजिंग दोज थिंग्स। सो नेक्स्ट पेज, तो ये जो क्वेश्चंस हैं एज सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर अस बैक टू मोशंस ऑफ टाइम, मतलब क्या वो हमें लाइक पीछे ले जाते हैं उस टाइम में कि ये कब हुआ होगा, कौन सी डेट को हुआ होगा, ये मतलब कौन से मंथ में हुआ होगा, कौन से ईयर में हुआ होगा, कौन से डे में हुआ होगा, तो हमें इसकी एग्जैक्ट डेट्स के बारे में नहीं पता होता। समटाइम इट इज़ एक्चुअली इनकोरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने बताया कि हमें एक्चुअली कभी कभी क्या है नहीं पता होता कि ये कब इन्वेंट हुई हैं, मतलब जो इसकी कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं है कि कब सबसे पहले इंडिया के कोई फर्स्ट पर्सन ने टी को टेस्ट किया होगा। ठीक है, तो और भी ये डेट नहीं है कि कब उसका टेस्ट डिवेलप हुआ होगा, मतलब पर्टिकुलर डेट्स नहीं है। इसी तरह से सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश, एक प्रॉपर डेट नहीं है कि कभी कब जो फर्स्ट पर्सन था जो ब्रिटिशर था वो इंडिया में आया होगा ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, कब नेशनल मूवमेंट फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ होगा और कब इकोनॉमी में और सोसाइटी में चेंजेस आने शुरू हुए होंगे, तो हम क्या करते हैं इसको रेफर करते हैं एज अ स्पैन ऑफ टाइम कि किस स्पैन ऑफ टाइम में हुआ है, किस टाइम पीरियड में हुआ है, नॉट अ पर्टिकुलर डे मंथ और डे ईयर। तो हम उसके लिए अप्रोक्सीमेटली पीरियड ऑफ एंड अप्रोक्सीमेटली पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल, तो उसके लिए हम अप्रोक्सीमेट सोचते हैं कि ये तब हुआ होगा। व्हाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग्स ऑफ डेट्स, तो हम क्यों हमेशा जो हिस्ट्री है उसको डेट से रिलेटेड करते हैं,
क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या है? दिस एसोसिएशन हैज अ रीजन. देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट्स. एक टाइम होता था जब हिस्ट्री में जो बैटल्स होती थी, जो बिग इवेंट्स होती थी, उसका सारा रिकॉर्ड रखा जाता था. लाइक इट वॉज अबाउट रूल्स एंड रूलर्स एंड देयर पॉलिसी. हिस्टोरियन रोट अबाउट द ईयर अ किंग दैट यू हैव रिटन, दैट यू ऑलरेडी रेड इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस. ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ये जो इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं किंग्स ने, रूलर्स ने, उस उन्होंने लिखते थे कि कब उन्होंने कौन सी बैटल लड़ी है, कब उन्होंने जीती है. उसमें पूरा जो डेट्स हैं उनका क्या लिखते थे, वो एक प्रॉपर अकाउंट्स वो लिखवाते थे, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स में. सो किस डेट में उस राजा की शादी हुई, किस डेट में मतलब वो क्राउन्ड हुआ, उसको राजा बना, वो शादी हुई, कब उसके बच्चे हुए, किस डेट में उसने किस ईयर में एक पर्टिकुलर वॉर को जीता और किस ईयर में उसकी मृत्यु हुई, एंड द ईयर द नेक्स्ट, कब वो नेक्स्ट रूलर जो आया और वो गद्दी पे बैठा. तो ये जो डेट्स हैं, स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड एंड इन हिस्ट्री सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कॉन्टिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट. सो जो हिस्ट्री में ये सारी जो डेट्स हैं, इनके लिए डिबेट्स होती रहती है, और ये क्या हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए. एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ पास्ट टू ईयर, हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट हाउ ऑफ अदर इशूज एंड अदर क्वेश्चन. They look at how people earn their livelihood, what they produced and ate. Means आप 2 साल पहले की बुक ले के 2 ईयर पहले की आप जब स्टडी करोगे तो उसमें हिस्टोरियंस ने लिखा हुआ है और भी इश्यूज़ के बारे में, दैट कब लोगों ने अपनी लाइवलीहुड स्टार्ट की थी अर्न करनी, कब उन्होंने सबसे पहला जो चीज़ें खानी शुरू की थी, पहले एग्रीकल्चर को की प्रोड्यू कैसे हुआ था, स्टार्ट हुआ था, कब सिटीज डिवेलप्ड हुई थी, कब मार्केट्स बनी थी, कब उनके जो राज्य हैं वो फॉर्म्ड हुए थे, कब जो न्यू आइडियाज़ है स्प्रेड हुए थे लाइक भक्ति का या और, एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी कैसे कैसे धीरे धीरे कल्चर और सोसाइटी चेंज हुई थी. इन 6th क्लास यू रेड ऑल दीज थिंग्स that was happened, that was ancient history. In 7th class you already read about the medieval history, and now in 8th class you are studying modern history. Okay, तो उसमें जो आपने 6th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है दी, ये जो मैंने पैराग्राफ में ये सब जो बोला है कि कैसे कैसे अर्ली मैंने फर्स्ट एनिमल टेम करना स्टार्ट किया था, कौन से ईयर में उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया था, ठीक है. नाउ ये 1 लिप्टन्स टी की जो एडवर्टाइजमेंट है, इसमें बताया हुआ है एडवर्टाइजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट. तो इससे लोगों का टेस्ट में भी टी की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ होगा. तो ये जो ये एक प्रिंस ऑर्थर की पिक्चर है और इसको ये टाइटल दिया है ड्यूक ऑफ कनॉट. तो इससे भी हमें पता चलता है कि कब जो टी का टेस्ट डेवलप्ड हुआ, कब लोगों ने टी यूज करना स्टार्ट की. 1922 में दिस एडवर्टाइजमेंट, ये 1922 की एडवर्टाइजमेंट है, इसके पहले लोगों में टी का टेस्ट डेवलप हुआ होगा मे बी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज विच डेट्स, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट्स. मतलब कौन सा क्राइटेरिया है जिसमें हम जो डेट्स को चुनते हैं, डेट्स जो हिस्टोरियन है वो सिलेक्ट करते हैं, और जो पास्ट में हुआ होगा उसके क्लोजली वो कौन सी डेट्स को सिलेक्ट करते हैं. दे बिकम वाइटल
बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एंड मोमेंट्स. मतलब ये जो डेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं. मतलब पहले देखते हैं कि ये जो इवेंट है वो कौन से, ये मतलब कौन से टाइम पीरियड में हुआ है, उसके आसपास क्या हुआ है. इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, इफ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपेयर सिग्निफिकेंट. मतलब लाइक जैसे कि हमारा फोकस हो कि ये जो जो हम स्टडी कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में हुआ होगा, ये इश्यूज जो है वो उस टाइम पीरियड में हुआ होगा, तो हम ये न्यू जो सेट ऑफ डेट्स हैं उनकी तरफ मूव करते हैं. कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्ट्री इन इंडिया, द रूलर ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट. मतलब जब हम ब्रिटिश हिस्ट्री की बात करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो जो हर एक गवर्नर जनरल है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है. तो ये जो गवर्नर जनरल थे, दीज हिस्टोरीज हिस्ट्रीज बिगेन विद द रूल्स ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल, जो कि थे वारेन हेस्टिंग, जो कि 1973 या 74 के टाइम पीरियड में उन्होंने गवर्नर जनरल बने थे, और 1785 तक वो गवर्नर जनरल रहे थे. ठीक है, एंड ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, और वो ही एंडेड विद द लास्ट वॉयस राय लॉर्ड माउंट बैटन. और जो लास्ट वॉयस राय थे वो थे लॉर्ड माउंट बैटन. तो अगर हम इन लोगों की स्टडी करते हैं, तो हमें लाइक उनकी डेट्स के बारे में लिखा हुआ है कि ये लोग, ये जो गवर्नर जनरल थे, जो वायस राय थे, ये कब आए हैं इंडिया में. ठीक है, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की स्टडी करना है तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए. वी रेड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर, मतलब वारेन हेस्टिंग्स, वेल्जली, बेंटिंग्स, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लेटोन, रिपन, कर्जोन, हार्डिंग्स और इरविन्स. और ये जो नेवर एंडिंग सक्सेसर थे गवर्नर जनरल्स, और ये जो वॉयस राय थे, तो ये इनकी जो पर्सनालिटीज़ हैं, ब्रिटिश हिस्ट्री में इन सब लोगों के बारे में लिखा हुआ है. लाइक ये कब गवर्नर जनरल बने, वारेन हेस्टिंग्स ने अपने जो टाइम पीरियड था उसमें क्या किया, वेल्जली ने क्या किया, डलहौजी ने क्या किया, किस डेट पे किया, लॉरेंस ने, कर्जन ने, हार्डिंग्स ने क्या क्या किया अपने टाइम पीरियड में. तो ऐसे लगता है कि हिस्ट्री में जो लिखा हुआ है, ब्रिटिश हिस्ट्री में, इन लोगों के अलावा कुछ लिखा ही नहीं हुआ. इन लोगों की पर्सनैलिटी के अलावा कुछ लिखा ही नहीं हुआ. उन्होंने क्या एक्टिविटीज़ की, क्या पॉलिसीज़ थी उनकी, क्या क्या अचीवमेंट्स की. इट वॉज़ एज इफ दे वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो. मतलब इनकी लाइफ के अलावा कुछ और है ही नहीं मॉडर्न हिस्ट्री में स्टडी करने के लिए. ऐसे ऐसे दिया हुआ है. सो जो क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ मार्क देयर डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. तो इनकी जो क्रोनोलॉजी है इनकी लाइफ की, वो उन्होंने एक मार्क्ड किया है, एक अलग लाइक अपना एक इमेज बनाई है ब्रिटिश हिस्ट्री में. सो कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं, कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे. क्या हम लिख नहीं सकते हैं किसी और वे से. ठीक है, तो हम क्यों फोकस करते हैं इन लोगों की, मतलब कुछ डिफरेंट ग्रुप के लोगों की या कुछ लोगों की लाइफ्स के बारे में क्यों फोकस किया हुआ है हिस्ट्री में. इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल, मतलब कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स जो हैं लाइक गवर्नर जनरल है, उनकी लाइफ की हिस्ट्री के बारे में ही फोकस किया हुआ है. ऐसे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं. वेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी, वी डिवाइड इन टू चैप्टर्स.
तो हम क्या करते हैं, इनको चैप्टर्स में डिवाइड की कर देते हैं। हम क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं, इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है कि लाइक स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कब आया, सेकंड गवर्नर जनरल कब आया, थर्ड, और उन्होंने क्या क्या किया। तो इससे क्या बनता है, एक क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, स्टोरी इन अ वे दैट मार्क सम सेंस कैन बी फॉलोड, मतलब कुछ सेंस आ जाती है। और इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स द एक्टिविटी ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट। मतलब ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें बताया हुआ है जो भी गवर्नर जनरल की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, तो जो इंडियंस लोग हैं ये उनके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठती हैं। करना चाहिए, क्या कर सकते हैं हम, वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आर हिस्ट्री। हमें एक अनदर फॉर्मेट की, एक अनदर कंसेप्ट की ज़रूरत है हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। मतलब जो पुरानी डेट्स हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सकती जो न्यू डेट्स हैं। दिस वुड मीन्स दैट द ओल्ड डेट्स विल नॉट नो लॉन्गर हैव देयर सिग्निफिकेंट दैट अर्लियर हैड। सो ए न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। एक न्यू सेट ऑफ डेट्स चाहिए जिससे हमें हिस्ट्री को अच्छे से स्टडी कर सकें। आई एम गोइंग टू एंड दिस चैप्टर हेयर ओनली। In next lecture, I will start with the topic, how do we periodized. Till then, have a nice day. If you like this video, then do like, comment. Thank you and have a nice day.